देखिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, केस बढ़ने से चिंता की बात नहीं, एटलीस्ट अपने को मालूम पड़ गया कौन लोग हैं। ये अधिकांश केस वो हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्वारंटाइन में, इसलिए चिंता की बात नहीं। अगर ये बस्ती में रहते, अब जो 20 केस बढ़े हैं इसमें मात्र एक या दो है, तीन हैं जो बस्ती में रह रहे थे, कहीं मोहल्लों में रह रहे थे, बाकी सब वो केस हैं जो क्वारंटाइन में रह रहे थे। तो इनको हम लोगों ने प्रिकॉशनरी पहले ही हम लोगों ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो गए, इनका इलाज हो जाएगा 10-15 दिनों में, वापस घर आ जाएंगे वो लोग। पर संक्रमण कम से कम लोगों में जाए इसके लिए घरों के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब संक्रमण जो है ना 90% लोगों में 14 दिन में बॉडी में आता है, पता नहीं चलता है, ख़त्म हो जाता है ये। पर कोई वीक बॉडी होगी अगर आपकी तो आपको असर दिखा देगा फिर ये। इसलिए अनुरोध है मेरा कि घरों में रहें और संक्रमण से दूर रहें, प्रिकॉशन रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, एक कम से कम 1.5-2 मीटर का डिस्टेंस रख के बात करें, ताकि किसी का भी कोई भी अगर कोई संक्रमण है किसी में, उसका कुछ भी सलाइवा अलावा अगर आप पे जाता है तो संक्रमण आप पे आ जाएगा। वो ये सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत है उनके स्वास्थ्य के लिए। तो हम लोगों का मेन अभी चिंता लोगों का स्वास्थ्य को ठीक रखना है। अगर किसी घर में राशन खत्म भी हो जाता है तो मेरी उस क्षेत्र के कॉलोनी वासियों से अनुरोध है कि अपने घर में अगर किसी का एक्स्ट्रा है तो इकट्ठा करके उसको तरीके से दे दें, वहीं बगैर ज़्यादा निकले आपस में मिले हुए जो है, कैसे भी मिनिमम कॉन्टैक्ट में वो उनको दे दें। ये 10-15-20 दिन की बात है, ये स्वास्थ्य एक बार ठीक हो जाए, शहर संभल जाए, फिर ये सब चीज़ें तो खुलनी है। सब जीवन ज़िंदगी भर अपने को खाना है, इन्जॉय करना है, सब चीज़ें करनी है। पर कृपया करके अभी इस समय में थोड़ा संयम रखें, और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसकी भी, ऐसा नहीं है किसी को। अभी भी हम लोग वितरण व्यवस्था चल रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि भी चिंतित हैं, वो भी लगे हुए हैं, सब लोग रोज़ हम लोग संपर्क में हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी प्रारंभ हो रही हैं सब, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में हम लोग व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि घर घर कैसे हम लोग कर सकते हैं कि बगैर भीड़ निकले, बगैर घर से निकले, आपको जो भी जिसकी आवश्यकता है वो हम पूर्ति कर सकें। परिवार निकल गया घर से, क्या जरूरत थी परिवार निकलने की भाई? आप दूध तो एक आदमी मिला सकता था, थोड़ा दूर खड़े हो जाते तो भी मिल जाता दूध, नहीं भी मिलता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा परिवार निकल गया, झुंड में चला गया, अब मान लीजिए कहीं 50-75 का झुंड इकट्ठा हुआ, एक भी आदमी को संक्रमण है, टच होते गए वो, उनका कुछ उनका मान लीजिए कि सलाइवा निकला, कुछ निकला, टच होते गए, तो उसमें संक्रमण फैलता है ऐसे में। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि घर में जो डिमांड आएगी किसी भी घर से फिक्स आइटम्स करेंगे, और अभी उसमें थोड़ा एक दो दिन का समय लगेगा, पर हम लोग उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और मेन ये है कि हमारा आह्वान यही है जनता से कि अभी अलग अलग रहें, बाहर ना निकलें घर से, धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जिनको भी कोरोना पॉजिटिव है उन लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन हमेशा ठीक रहता है कि मालूम पड़ जाता है कि संक्रमण फैला सकता है ये, तो उनको हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं, और जो भी नॉर्म्स है उसके तहत हम लोग जांच पूरी कर रहे हैं ये, और उनको क्वारंटाइन करके उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। 20 लोग ठीक हो चुके हैं, 2 बार निगेटिव रिपोर्ट आएगी उनको घर डिस्चार्ज कर देंगे हम लोग। केवल हम लोगों को चिंता रहती है जो थोड़ा 55 साल 60 साल से ऊपर के हैं, उनको कोई कोमोर्बिडिटी है, कोमोर्बिडिटी का मतलब ही रहता है कोई अन्य बीमारी भी है उनको, या कोई 75-80 साल के कोई वृद्ध हैं, उनको तो वैसे भी वीकनेस हो जाती है बॉडी के रेजिस्टेंस में। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं घर से बाहर ना निकलें। बाकी हम लोग धीरे धीरे दूध की व्यवस्था थोड़ा सुधरी है अभी, उसमें भी लोगों से आह्वान ये है कृपया दूध लेते समय अपनी जान, अपने परिवार की जान खिलवाड़ न करें। एक ही व्यक्ति घर से जो भी गेट पर आता है अगर कोई देने, तो एक ही व्यक्ति जा करके ले उसको, डिस्टेंस से लें, दूरी से लें थोड़ा उसको, और कृपया पूरे परिवार को लेकर ना जाएँ। तो ये सब सावधानी जो बरतनी है, जिसके लिए बार बार हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और हम लोगों को मेन चिंता है स्वास्थ्य की लोगों की। अगर किसी दिन अगर रोटी भी खा के रहना पड़े लोगों को, तो अगर 10-12 दिन 15 दिन 20 दिन में अगर सब चीज़ें सुधर सकती हैं, तो इतने बड़े जीवन के सामने 15-20 दिन की ये समस्या है, तकलीफ़, ये प्रॉब्लम, ये त्याग, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो मेरा अनुरोध यही है सब शहरवासियों से कि थोड़ा इसको समझें इस चीज़ को, और अंदर रहें। राशन की व्यवस्था हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.